में लोकसभा चुनावों के तहत चार चरणों का मतदान संपन्न हो चुका है और देश पांचवे फेज के मतदान की तरफ आगे बढ़ रहा है। पांचवे फेज की वोटिंग 20 मई को होनी है और चुनावों के नतीजे 4 जून को आने हैं। इस बीच सियासी पार्टियां अपने चुनावी कैंपेन में लगी हुई हैं और ज्यादा से ज्यादा मतदाताओं को लुभाने के लिए विभिन्न दलों के नेता तूफानी दौरे कर रहे हैं। और इस चुनाव के लिहाज से सबसे अहम राज्य उत्तर प्रदेश है, जहां लोकसभा की कुल 80 सीटें हैं। हर राजनीतिक दल इन सीटों को जीतना चाहता है ताकि दिल्ली की सत्ता आसानी से मिल सके। इस बीच प्रधानमंत्री मोदी यूपी के आजमगढ़ के लालगंज में जनसभा को संबोधित करने पहुंचे। प्रधानमंत्री मोदी ने जनसभा को संबोधित करते हुए सपा और कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। आगे प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, मैं साफ साफ कहता हूँ कि यह मोदी की गारंटी है कि देश विदेश कहीं से जो भी ताकत इकट्ठा करनी है कर लो, मैं भी मैदान में हूँ, तुम भी मैदान में हो, आप सीए नहीं मिटा पाओगे। साफ, मैं साफ साफ कहना चाहता हूँ मेरे भाइयों बहनों, ये मोदी की गारंटी है, देश विदेश कहीं से भी जो भी ताकत इकट्ठी कर लिए कर लो, मैं भी मैदान में हूं, तुम भी मैदान में हो। आप सीएए नहीं मिटा पाओगे, आने वाले कुछ महीनों में ही पश्चिम बंगाल से लेकर दिल्ली पंजाब तक हजारों शरणार्थी परिवार मां भारती की गोद में रह रहे हैं, अनाथ की तरह रह रहे हैं, वो अब सम्मान के साथ रहेंगे, उनके पास उनकी एक पहचान होगी, वो मां भारती के बेटे कहने के हकदार हो जाएंगे। आज तक ये इंडी गठबंधन वाले कहते हैं कि मोदी ये जो सीएए लाया है ना, जिस दिन मोदी जाएगा ये सीएए भी जाएगा। भाइयों बहनों, क्या इस देश में अब कोई माई का लाल पैदा हुआ है जो सीएए को खत्म कर सके? ये देश की जनता जान गई है, देश का हर नागरिक जान गया है कि आप लोगों ने वोट बैंक की राजनीति करके, हिंदू मुसलमान को लड़ा लड़ा करके और सेक्युलरिज्म का ऐसा चोला पहन लिया था कि आपकी अंदर की पाप की सच्चाई बाहर नहीं आती थी। ये मोदी है जिसने आपका नकाब उतार दिया है, ये आपका नकाब, आप डोंगी है। वहीं यूपी की सीटों को जीतने के लिए बीजेपी के कई नेता चुनावी मैदान में आकर जीत का दावा ठोक रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बांदा पहुंचे, जहां उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए विपक्ष पार्टियों पर हमला बोला। वहीं यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की बुद्धि भी भ्रम में पड़ गई है। जेल में जाकर उन्हें ये लगता है कि अब जेल से बाहर कभी नहीं आना है। अब उन्हें मुख्यमंत्री पद का इतना लालच हो गया है कि वे अपनी बात को मुझसे जोड़कर कह रहे हैं। अध्यक्ष, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की बुद्धि भी भ्रम में पड़ गई है और जेल क्या गए कि जेल में जाकर के उनको ये लगता है कि अब जेल के बाहर कभी नहीं आना है, तो अब उनको मुख्यमंत्री पद का इतना लालच हो गया है कि वह अपनी बात को मेरे साथ जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। ये जेल जाने का एक रिएक्शन है, लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं केजरीवाल जी, ये जेल जाने का आपका अनुभव दिल्ली वासियों के लिए तो बड़ा सुखद है, क्योंकि आपने हाथ में झाड़ू तो लिया, लेकिन आपने अन्ना हजारे जी के सपने को पानी फेरने का काम जरूर कर दिया।
अन्ना हजारे जी ने जिस कांग्रेस के भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन किया था, जिस अराजकता और जिस अविश्वास के खिलाफ आंदोलन किया था, उसी कांग्रेस को आपने गले का हार बना करके आज जो पाप कर रहे हैं अन्ना हजारे, कभी आपको माफ नहीं कर सकते, कभी नहीं माफ कर सकते हैं। और दूसरा कार्य, आप सत्ता में पहुंचे, भ्रष्टाचारियों को अपने इर्द गिर्द जमावड़ा कर दिए, अन्ना हजारे की आत्मा दुखित होती होगी कि मेरे आंदोलन की उपज किस प्रकार की नकारात्मक राजनीति करते हैं। और दिल्लीवासी इस बात के लिए परेशान है कि कम से कम अरविंद केजरीवाल जेल के अंदर थे तो उनकी खांसी बंद थी, अब फिर बाहर आ गए, अब दिल्लीवासियों को फिर खांसने के लिए मजबूर कर देंगे। बहनों और भाइयों, ये इस आम चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी के 400 पार के लक्ष्य की पूर्ति के लिए भाजपा नेता और प्रमुख स्टार प्रचारक धुआंधार प्रचार कर दिन रात एक कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आज उड़ीसा में चुनाव प्रचार किया। जेपी नड्डा का रोड शो खोर्धा जिले में हुआ। यह रोड शो उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर बारीक शाही से शुरू हुआ और बदही बंका में समापन हुआ। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा, कांग्रेस धीरे धीरे अपने पथ से हटते हुए नीचे की ओर जा रही है, धरातल की ओर जा रही है। इसका कारण कोई और नहीं, उनके खुद के काम, खुद के विचार, अपनी खुद की कार्यशैली है। राहुल ही जाने, लेकिन हम ये जरूर जानते हैं कि कांग्रेस धीरे धीरे अपने पद से हटते हुए नीचे की ओर जा रही है और धरातल की ओर जा रही है, और उसका कारण कोई और नहीं, उनके खुद के काम और उनके खुद के विचार और उनके खुद के कार्यशैली है। और निश्चित रूप से लोग मोदी जी के नेतृत्व में भारत को एक विकसित भारत देखने के लिए, संकल्प को पूरा करने के लिए चले। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल समाजवादी पार्टी कार्यालय पहुंचे। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने उनका जोरदार स्वागत किया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा, आज लखनऊ में मैं उत्तर प्रदेश के मतदाताओं से इंडिया गठबंधन को वोट देने के लिए अपील करने आया हूँ। मेरा नमस्कार, मेरा प्रणाम। आज लखनऊ में मैं उत्तर प्रदेश के सभी मतदाताओं से इंडिया गठबंधन को भारी भरकम वोट देने के लिए, भारी मात्रा में वोट देने के लिए अपील करने के लिए आया हूं। मैं चार बातें रखना चाहता हूं। पहले चारों बिंदु बता देता हूं, फिर उसको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। पहला ये कि ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी मोदी जी अपने लिए वोट नहीं, अमित शाह जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए वोट मांग रहे हैं। दूसरी बात, योगी आदित्यनाथ जी को अगर ये लोग जीत गए तो योगी आदित्यनाथ जी को 2 से 3 महीने के अंदर उत्तर प्रदेश के सीएम पद से हटा दिया जाएगा। नंबर 3, इन लोगों की पूरी तैयारी है, अगर ये लोग जीत गए तो संविधान को बदल के SC ST और OBC का रिजर्वेशन खत्म कर दिया जाएगा। और नंबर 4, जो आंकड़े अब देश भर से आ रहे हैं वो ये दिखा रहे हैं कि 4 जून को इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। वही समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि 140 करोड़ की जनता इस बार भाजपा को 140 सीटों के लिए भी तरसा देगी। उत्तर प्रदेश, दिल्ली और पंजाब में ये 99 सीटों के खेल में उलझ जाएंगे, यहाँ उन्हें कुछ हासिल नहीं होगा। जो देश का माहौल है और 4 चरणों में भारतीय जनता पार्टी चारों खाने चित हो चुकी है और उनके आंसुओं की नदी उफान में है, भारतीय जनता पार्टी जो 400 पार का नारा दे रहे थे, अब समझ में आया है 4 चरणों के बाद। वो बात तो ठीक है कि आरक्षण पे सबसे पहले हमला करेंगे, लेकिन 400 पार नारा इसीलिए दे रहे हैं कि 543 में 400 के बाद वो सीटें देख रहे हैं, तो वो केवल 143 बन रही हैं। तो वो स्वयं स्वीकार कर रहे हैं कि 143 से ज्यादा वो सीटें जीतने वाले नहीं है, क्योंकि 400 पार
सीटें 143 ही बनती हैं और 140 करोड़ की जनता इस बार इन्हें 140 सीटों के लिए भी तरसा देगी। ये यूपी, दिल्ली और पंजाब ये 99 सीट के खेल में ही उलझ जाएंगे, यहां कुछ इन्हें हासिल होने वाला नहीं है। रोटी कपड़ा और मकान की तो लड़ाई हम लोग लड़ेंगे, लेकिन रोटी कपड़ा और मकान से पहले हमें संविधान बचाना है। वहीं आप नेता संजय सिंह ने कहा, मणिपुर में एक कारगिल योद्धा की पत्नी को निर्वस्त्र करके घुमाया गया, हजारों महिलाओं के साथ प्रज्वल रेवन्ना ने दरिंदगी की। प्रधानमंत्री कहते हैं, प्रज्वल रेवन्ना भारत का भविष्य है। सब लोग, पूरा देश हतप्रभ है, दुखी है, आज तक पीड़ित है। मणिपुर के अंदर एक कारगिल योद्धा की पत्नी को निवस्त्र करके घुमाया गया, सैकड़ों महिलाओं के साथ दरिंदगी हुई, भारत के प्रधानमंत्री खामोश रहते हैं। हजारों महिलाओं के साथ प्रज्वल रेवन्ना ने बलात्कार किया, दरिंदगी की, मां की उम्र की महिलाओं के साथ, प्रधानमंत्री कहते हैं ये भारत को मजबूती देगा, इसी को वोट देना, ये भारत का भविष्य है प्रज्वल रेवन्ना। उसको भगा दिया जाता है बीजेपी के द्वारा। पहलवान बेटियां जब जंतर मंतर पे लड़ रही थी न्याय मांगने के लिए, तो यही स्वाति मालीवाल जो महिला आयोग की अध्यक्ष थी, रात में उनके समर्थन में गई थी, पुलिस के लोगों ने घसीट के मारा था। हमने देखा यही उत्तर प्रदेश के अंदर कुलदीप सेंगर के मामले में, हाथरस के मामले में, देश के प्रधानमंत्री खामोश रहते हैं, एक शब्द नहीं बोलते। आम आदमी पार्टी हमारा परिवार है, पार्टी ने अपना रुख साफ कर दिया है और मैं चाहता हूं जितने विषय मैंने आपसे आपके सामने रखे हैं, देश के प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी को जवाब देना चाहिए। स्वाति मालीवाल के मामले में जवाब देना, जब वो पहलवान बेटियों के लिए जंतर मंतर पे न्याय मांगने गई थी स्वाति मालीवाल जी, उस समय घसीट घसीट के मरवाया पुलिस वालों से। तो इसलिए इसको, इस पे राजनीतिक खेल ना खेलें, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं। धन्यवाद। वही राजधानी दिल्ली में लोकसभा चुनाव 2024 के लिए होने वाले मतदान में अब कम समय रह गया है। छठे फेज में 25 मई को होने वाले मतदान के लिए भारतीय जनता पार्टी और विपक्षी पार्टियां गठबंधन दोनों ही जोर शोर और पूरे दमखम से अपने चुनाव प्रचार में लगी हुई हैं। इसी कड़ी में आज उत्तर पूर्वी लोकसभा सीट से इंडिया अलायंस के कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार कन्हैया कुमार ने पद यात्रा कर लोगों के बीच पहुँचे और उनसे पार्टी और गठबंधन के समर्थन में वोट देने की अपील की। उत्तर पूर्वी दिल्ली से कांग्रेस उम्मीदवार कन्हैया कुमार ने कहा, प्रधानमंत्री ने पिछले 10 साल में क्या किया, वे सिर्फ बातें करते हैं लेकिन उन्होंने देश के लिए कुछ नहीं किया है। उत्तर पूर्वी दिल्ली के प्रतिनिधि मनोज तिवारी ने कुछ नहीं किया। अरे प्रधानमंत्री जी जो भी कहा है, ये बताइए कि प्रधानमंत्री जी ने 10 साल में क्या किया है। प्रधानमंत्री तो कहते ही रहते हैं कुछ ना कुछ, कभी मन की बात कहते हैं, कभी जो है नोटबंदी की बात कहते हैं, कभी GST की बात कहते हैं, कभी हिंदू मुसलमान की बात कहते हैं, कभी अच्छे दिन की बात कहते हैं, कभी 15 लाख आपके खाते में पहुंचाने की बात कहते हैं, कभी हर साल 2 करोड़ नौकरी देने की बात कहते हैं। मैं कह रहा हूं प्रधानमंत्री जी पिछले 10 साल से कह ही रहे हैं। हम पूछ रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी ने हमारे लिए किया क्या है, देश के लिए किया क्या है। और आपसे भी आग्रह करते हैं कि आप उत्तर पूर्वी दिल्ली की जनता से पूछिए कि जो प्रतिनिधि हैं यहाँ किए वहाँ उन्होंने इस क्षेत्र के लोगों के लिए क्या किया है। समस्याएं जस की तस परी हुई हैं, जाम की समस्या है, जल भराव की समस्या है, इस क्षेत्र में लॉ एंड ऑर्डर का इशू है, लोग जो है बड़ी बड़ी जो है कठिनाई में जीवन जी रहे हैं, महंगाई की समस्या है, बेरोजगारी की समस्या है। तो कहने वहने की बात छोड़िए, अब करने की बात है। जिन्होंने काम नहीं किया है उनको गद्दी छोड़ करके जाने। वही नई दिल्ली लोकसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार बासुरी स्वराज ने अजमल खान पार्क पर चुनाव प्रचार किया। नई दिल्ली लोकसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार बासुरी स्वराज ने कहा, आप और कांग्रेस का अप्राकृतिक गठबंधन है। यह गठबंधन कोई बड़ी चुनौती नहीं है क्योंकि दिल्ली की जनता विकास, प्रधानमंत्री मोदी और विकसित भारत के लिए वोट करेगी।
तो हम लोग आज सुबह आए हैं अजमल खान पार्क में करोल बाग में मॉर्निंग वॉक के लिए, और यहाँ पर मॉर्निंग वॉक करते करते आप ये देखिए कितना ज्यादा आशीर्वाद भी मिल रहा है जनता जनार्दन का। मुझे लगता है कि आज सुबह तो बहुत ही ज्यादा शुभ है। देखिए ये जो गठबंधन है आम आदमी पार्टी का और कांग्रेस का, ये बहुत ही अननेचुरल अलायंस है, क्योंकि जब भी कांग्रेस पार्टी सत्ता से हटी है तो हमेशा आम आदमी पार्टी ने उसको निगल कर सत्ता ली है, चाहे पंजाब हो चाहे दिल्ली हो। और आपको याद होगा कि माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने शपथ ली थी अपने बच्चों की कि वे कभी भी कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं करेंगे, लेकिन फिर उन्होंने 180 डिग्री का यूटर्न करा और कांग्रेस के साथ गठबंधन करा, जिसके कारण उनकी क्रेडिबिलिटी काफी इरोड हुई है। और आप भी जानते हैं कि स्वार्थ का टिका हुआ ये गठबंधन जर्जर कर भुरभुरा रहा है, इसीलिए जो कांग्रेस का काडर है वो भी पार्टी छोड़ छोड़ कर जा रहा है। ये गठबंधन बहुत बड़ी चुनौती इसलिए नहीं है क्योंकि दिल्ली की जनता बहुत समझदार है और दिल्ली की जनता विकास के लिए वोट करेगी, मोदी जी के लिए वोट करेगी, विकसित भारत के लिए वोट करेगी और सातों की सातों सीटें भाजपा की झोली में देगी। इसके साथ ही दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने केशवपुरम के हथौड़ा राम पार्क में चुनाव प्रचार किया। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा, भाजपा के सभी कार्यकर्ता सुबह पार्कों में जाकर जनता से भाजपा के लिए समर्थन की अपील कर रहे हैं। भाजपा का सबसे बड़ा मूल मंत्र है संपर्क, समन्वय और संवाद। साथ ही इसी ताकत के साथ हम जनता के बीच जा रहे हैं और जनता का भरपूर स्नेह और आशीर्वाद हमें मिल रहा है। देखिए भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता सुबह सभी पार्कों में जाकर जनता से माननीय मोदी जी के लिए समर्थन की अपील कर रहे हैं, और मुझे खुशी इस बात की है कि जनता बहुत उत्साह के साथ माननीय मोदी जी को अपना समर्थन भी दे रही है और ये आश्वासन दे रही है कि दिल्ली की सातों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को संपूर्ण बहुमत मिलने जा रहा है। आगे सर कैसे और... देखिए भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा मूल मंत्र है संपर्क, समन्वय और संवाद। उसी ताकत के बल पर, अपने कार्यकर्ताओं के दम पर हम जनता के बीच में जा रहे हैं और जनता का भरपूर स्नेह और भरपूर आशीर्वाद हमारे सभी प्रत्याशियों को मिल रहा है। आज हम त्रिनगर के हथौड़ा राम पार्क में हैं। आप देख रहे हैं कि जनता जो सुबह जॉगिंग क्लब्स हैं, न्यू मॉर्निंग क्लब्स हैं या गुड मॉर्निंग क्लब्स हैं, यहाँ पर जो लोग यहाँ सैर कर रहे हैं, ये सब लोग समर्थन दे रहे हैं और सबका एक ही कहना है कि अब की बार 400 का। यूपी की कुशीनगर लोकसभा सीट पर सियासी मुकाबला अब रोचक होता जा रहा है। इस सीट से राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी के अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य के नामांकन के बाद उनकी बेटी उत्कृष्ट मौर्य ने निर्दलीय नामांकन दाखिल कर दिया है। अब इस बाप बेटी की लड़ाई में नया मोड़ सामने आता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं कहा जा रहा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य अपना नामांकन वापस ले सकते हैं। दरअसल राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी के अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य ने कुशीनगर लोकसभा सीट से नामांकन दाखिल किया। इसके बाद उनकी बेटी उत्कृष्ट मौर्य ने निर्दलीय नामांकन दाखिल कर दिया। हालांकि अब बाप बेटी की सियासी लड़ाई में नया मोड़ आता हुआ दिखाई दे रहा है। सूत्रों की ओर से दावा किया जा रहा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य अपना नामांकन वापस ले सकते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी उत्कृष्ट मौर्य के कुशीनगर लोकसभा सीट से चुनावी मैदान में उतरने को लेकर राजनीति गर्माने लगी है। प्रत्याशियों को वोट बैंक में सेंधमारी का खतरा लग रहा है। बीजेपी से लेकर समाजवादी पार्टी तक के उम्मीदवार को इससे दिक्कत हो सकती है। देश में लोकसभा चुनाव के लिए पांचवें फेज की वोटिंग 20 मई को होगी, लेकिन इससे पहले कांग्रेस की मुश्किल बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। चुनाव आयोग ने कांग्रेस के कई उम्मीदवारों और नेताओं को नोटिस भेजा है। गारंटी कार्ड को घर घर बांटने के मामले में देश की प्रमुख विपक्षी पार्टी को नोटिस भेजा गया है। आयोग द्वारा भेजे गए नोटिस में धारा 171 को लगाने का जिक्र भी किया गया है। चुनाव आयोग के मुताबिक कांग्रेस के उम्मीदवार गारंटी कार्ड घर घर बांट रहे हैं, इसलिए उन पर धारा 171 भी लगाई जाएगी। वहीं कांग्रेस का आरोप है कि चुनाव आयोग आपराधिक धारा इस वजह से लगा रहा है जिससे कि जीतने वाले नेता की सदस्यता खारिज कराई जा सके। बता दें कि इससे पहले चुनाव आयोग कांग्रेस मल्लिकार्जुन खड़गे को अलर्ट भी कर चुका है। दरअसल खड़गे ने मतदान आंकड़ों पर इंडिया गठबंधन के नेताओं को पत्र लिखा था। उन्होंने कहा था कि चुनाव आयोग की विश्वसनीयता अब तक के सबसे निचले स्तर पर है। इस पर चुनाव आयोग ने खड़गे को ऐसे बयान देने से बचने की सलाह भी दी थी।